जम्मू कश्मीर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच भीषण गोलीबारी हो रही है अब पाकिस्तानी गोलीबारी में एक भारतीय सैनिक की नौशेरा सेक्टर में मौत हो गई सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि शहीद जवान की पहचान हवलदार संबूर गुरुंग के रूप में हुई है जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था केंद्र सरकार दावा करती आई है कि उसकी नीतियों के चलते जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं लेकिन कश्मीर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति बिगड़ी है पाकिस्तानी गोलीबारी में जवानों के साथ साथ नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल और मई के महीने में सीज फायर उल्लंघन के दौरान भारी बमबारी की गयी 80 से 120 सौ mm एम के मोटार और स्नाइपर का भी इस्तेमाल किया गया हालिया ट्रेंड बताते हैं कि हर महीने पाकिस्तान की ओर से कम से कम 10 बड़े सीज फायर उल्लंघन के मामले सामने आते हैं ब्यूरो रिपोर्ट गो न्यूज